खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं कामों की लिस्ट बनाना कि जिंदगी में और करना है कितना सारा काम। वर्क लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारा पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, रिलेशनशिप पे भी काफी सारा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, और खुद ने जो सोचा है, खुद के जो सपने हैं, वो भी तो पूरे करने होंगे। मतलब कितनी सारी एनर्जी और कितनी सारी पावर चाहिए हमें, और ये सब कहाँ मिलेगा? कहीं बाहर नहीं, सिर्फ आपके अंदर। और इस अनलिमिटेड पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कैसे काम कर सकती है, तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ अनलिमिटेड पावर, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। इस समरी की अगर हम बात करें तो अगर कोई आपसे आग पर चलने के लिए कहे तो क्या आप सच में ऐसा करेंगे? टोनी रॉबिन्स के सेमिनार में कई एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी है फायर वॉक। 4 दिनों के इस सेमिनार का नाम माइंड रेवोल्यूशन है। इस एक्टिविटी का मकसद है अपने डर को पावर में बदलना। सेमिनार में हिस्सा लेने वाले लोग 10 फीट लंबे जलते हुए कोयलों पर नंगे पैर चलते हैं। टोनी का मानना है कि डर जो होता है ना, वो सिर्फ हमारे मन में होता है। इसीलिए टोनी अपने सेमिनार में डर पर काबू पाना, एक्शन लेना और मन में ये विश्वास जगाना सिखाते हैं कि कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। उनका मूल मंत्र यही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप जलते हुए कोयलों पर चल सकते हैं, तो बेशक आप जिंदगी के रास्तों में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सामना करके उसे हरा भी सकते हैं। टोनी खुद भी एक दुखी और अनप्रोडक्टिव इंसान हुआ करते थे। वो अकेले रहते थे, ना उनके पास मनपसंद जॉब थी और ना ही मीनिंगफुल रिश्ते। यहाँ तक कि उनका वजन भी 30 पाउंड ज्यादा था। लेकिन सिर्फ 3 सालों में टोनी ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वो बेचारे जैसी सिचुएशन से एक सक्सेसफुल और खुशहाल नौजवान बन गए थे। एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के साथ साथ वो सबसे चहेते मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बन गए। खुद को बदलने के बाद टोनी ने कई लोगों की मदद की। वो चाहे पॉलिटिशियन हो, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो, एथलीट हो, या आम लोग हो जो किसी न किसी फोबिया या डिसेबिलिटी के शिकार थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही टोनी ने बहुत सक्सेस, दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास कोई भी बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा अचीव कर लिया था। पत्नी के रूप में उन्हें लाइफ ने एक बहुत अच्छा हमसफर दिया, और वो अपने करियर में कई ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उन्हें बहुत इंस्पायर किया। इस बुक में टोनी ने बताया कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे। तो आप उन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे जो उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किए। आप उन अनमोल लेसन्स को सीखेंगे जो वो अपने हर सेमिनार में सिखाते हैं। आप कितना अचीव कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और सच पूछिए तो इसके लिए आपको कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं है। इस अनलिमिटेड पावर का सोर्स पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, द कमोडिटी ऑफ किंग्स। टोनी ने कई सक्सेसफुल लोगों को बड़े गौर से देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि उन सब में सक्सेस का एक पैटर्न कॉमन था। टोनी ने उसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला का नाम दिया। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है अपना टारगेट सेट करना। इसका मकसद ये जानना होता है कि आप असल में क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप होता है एक्शन लेना, यानी अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाना। लेकिन कभी कभी आप जो एक्शन लेते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के बजाय वो आपको रास्ते से भटका देते हैं। इसीलिए आपको स्टेप नंबर 3 की जरूरत होती है, जो है अपने एक्शन को मॉनिटर करना और उसका फीडबैक लेना। अंत में 4th स्टेप आता है, जो है अपने बिहेवियर यानी रवैये को बदलना, जिसका मतलब है कि अपने एक्शन में तब तक बदलाव करते रहना जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेते। तो आइए एक कहानी से हम इसे समझते हैं। स्टीवन स्पिलबर्ग को कौन नहीं जानता। बेहतरीन एनिमेशन का इस्तेमाल कर वो हमें जुरासिक पार्क और डायनासोर की दुनिया में ले गए थे। 36 साल की उम्र में ही उन्हें अब तक का सबसे उम्दा डायरेक्टर कहा जाने लगा। हिस्ट्री की 10 बेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से 4 उन्होंने बनाई है। उनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में ईटी, जुरासिक पार्क, इंडियाना जॉन्स और शिंडलर्स लिस्ट शामिल है। तो स्पिलबर्ग ने इतने अद्भुत करियर की शुरुआत कैसे की? क्या वो शुरू से ही एक गिफ्टेड डायरेक्टर थे? क्या उनके पास कोई स्पेशल एडवांटेज था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो बस अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो किया था। मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, यही वो थॉट है जो स्पिलबर्ग के मन में लगातार चलता रहता था जब वो एक टीनेजर थे। 17 साल की उम्र में वो पहली बार यूनिवर्सल स्टूडियोज देखने के लिए गए। वहाँ पर वो सब कुछ घूम ही रहे थे कि उन्हें साउंड स्टेज दिखाई दिया।
लेकिन उनके ग्रुप को साउंड स्टेज तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो आपको क्या लगता है, स्पिलबर्ग ने बात मान ली होगी और चुपचाप वहां से चले गए होंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहां पर स्पिलबर्ग ने एक्शन लिया। वो चुपके से शूटिंग वाली लोकेशन तक पहुंचे और वहां पर बड़े गौर से सब कुछ देखने लगे। तभी उनकी मुलाकात फिल्म के एक एडिटर से हुई। उन्होंने उससे एक घंटे तक बात की। स्पिलबर्ग ने एडिटर को उन फिल्मों के बारे में बताया जो वो बनाना चाहते थे। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी वहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन स्पिलबर्ग के लिए नहीं। उनमें अपने थॉट को एक्शन में बदलने की जबरदस्त पावर थी। अब उन्होंने एक प्लान बनाया। वो अगले दिन वापस स्टूडियो गए, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। वो वहां पर सूट पहनकर पहुंचे। इतना ही नहीं, वो अपने पिता की ब्रीफकेस भी साथ ले गए थे। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिक्योरिटी गार्ड के पास से निकले कि मानो वो सच में स्टूडियो के लिए काम करते हो। बेचारे उस गार्ड को क्या पता था कि स्पिलबर्ग की ब्रीफकेस में जरूरी पेपर्स नहीं बल्कि एक सैंडविच और दो कैंडी के अलावा कुछ नहीं था। स्टूडियो के अंदर उन्हें एक खाली ट्रेलर मिला। वो वहां पर बैठ गए और अपने सामने एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्टर। स्पिलबर्ग ने गर्मियों का मौसम ऐसे ही बिताया। वो स्टूडियो जाते और राइटर, एडिटर, डायरेक्टर से बातें करते। उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और बड़े गौर से देखते कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वहां उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा। स्पिलबर्ग 3 सालों तक रोज स्टूडियो जाते रहे, जिसके बाद उन्हें अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्पिलबर्ग ने एक सिंपल सी फिल्म बनाई जिसे उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियोज के स्टाफ को दिखाया। वहां के लोगों ने उनके टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और उन्हें 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 20 साल की कम उम्र में स्पिलबर्ग अपने पहले टीवी शो के डायरेक्टर बने। तो आपने देखा कि स्पिलबर्ग ने कैसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो किया। उन्होंने पहले डायरेक्टर बनने का गोल सेट किया और उसके बाद एक्शन लेने लगे। उन्होंने स्टूडियो के चक्कर लगाए थे और उन्होंने वहां के स्टाफ से भी बहुत कुछ सीखा। तो जब तक आपने अपने सपने को सच करने की धुन सवार नहीं होगी, तब तक वो सपना ही बना रहेगा, सच नहीं होगा। आप भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है। सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना मायने रखता है। तो इस बहुत ही कमाल की कहानी से सबक लेते हुए आगे बात करते हैं, द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। आइए इसे समझते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास दुनिया की हर चीज होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है? ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत और शोहरत है, करीबी दोस्तों का साथ है, सक्सेसफुल करियर है, परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन अंत में वो भी निराश और दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? तो वहीं पर दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं, उन्हें सोसाइटी नीची नजरों से देखती है, लेकिन फिर भी वो हर चैलेंज से एक विनर बनकर के उभरे हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस फर्क की वजह क्या है और आप इनमें से क्या बनना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब है कि ये किसी सिचुएशन या चैलेंज के बारे में नहीं है, बल्कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं वो इस फर्क का कारण बनता है। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना घट जाती है तो आप खुद से क्या कहेंगे? क्या आप नेगेटिव पहलुओं के बारे में सोचते रहेंगे और कोई गलत कदम उठाएंगे, या आप उस बुरी घटना में भी कोई पॉजिटिव चीज ढूंढकर सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? तो आइए इस कहानी से हम इसे समझते हैं। 2 आदमी थे। पहले का नाम था जॉन बेलुशी, जो 1970 यानी कि 1970 के समय के जाने माने कॉमेडियन थे। अपने समय में उन्होंने कई यादगार शो और परफॉर्मेंस दी। उस समय उनकी गिनती बेस्ट एंटरटेनर्स में की जाती थी। 22 साल की उम्र में जॉन शिकागो के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडी ग्रुप सेकंड सिटी में सबसे कम उम्र के मेंबर बने। समय के साथ जॉन उस शो के स्टार बन गए। उनका सफर थिएटर से शुरू हुआ और ये रास्ता उन्हें टीवी और फिल्मों की दुनिया तक ले गया। वो धीरे धीरे करके फेमस होते जा रहे थे और लोग उनकी उम्दा परफॉर्मेंस के कायल होने लगे। बेलुशी की कई लोगों से दोस्ती हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी और उनकी एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी हुई। बेलुशी अपने सपनों को हकीकत में जी रहे थे। उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और लोग तो उनके दीवाने थे ही, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से खुश नहीं थे। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। बाहर से देखने से लगता था कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेले और खोए हुए महसूस करते थे।
इस खालीपन को उन्होंने ड्रग्स से भरने की कोशिश की और इसी ड्रग्स के ओवरडोज ने 33 साल की उम्र में उनकी जान ले ली। अब आइए हम उस दूसरे आदमी डब्ल्यू मिशेल की कहानी पर एक नजर डालते हैं। एक रात मिशेल 65 मील की स्पीड से हाईवे पर मोटरसाइकिल चला रहे थे। वहां पर बहुत अंधेरा था। अचानक किसी चीज की वजह से उनका ध्यान भटका और मिशेल की नजर सड़क के किनारे पड़ी। जब उन्होंने दोबारा सामने की ओर देखा तो उन्हें रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। उनके ठीक सामने एक बड़ी सी ट्रक अचानक आकर रुकी, लेकिन मिशेल तब भी 65 की स्पीड पर ही थे। उन्होंने ब्रेक्स को दबाकर मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की और वक्त जैसे उनके लिए थम गया था। सब कुछ मानो स्लो मोशन में हो रहा था। मिशेल किसी भी तरह बाइक को रोकना चाहते थे, लेकिन जब तक ये हुआ तब तक वो ट्रक के नीचे आ गए थे। उनके मोटरसाइकिल का गैस कैप निकल गया था, जिस वजह से सारा तेल बाहर निकलने लगा और वो आग की लपटों में घिर गए। इस भयानक हादसे के कारण मिशेल बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो वो हॉस्पिटल में थे। उनकी पूरी बॉडी में इतना दर्द था कि वो हिल भी नहीं सकते थे। वो बुरी तरीके से झुलस गए थे। उन्हें 3rd degree बर्न हुआ था। यहाँ तक कि उनके चेहरे के शेप पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ था। लेकिन मिशेल ना निराश हुए और ना ही उन्होंने हिम्मत हारी। ठीक होने के बाद वो वापस अपने बिजनेस में लग गए, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक और हादसे का शिकार हुए। एक दिन वो जिस प्लेन में सफर कर रहे थे वो क्रैश हो गया। इस बार मिशेल को कमर से नीचे वाले हिस्से में लकवा मार गया था, जिसका मतलब था कि उन्हें जीवन भर व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। तो कोई भी इंसान इतने दर्दनाक हादसों के बाद टूट सकता था, और मिशेल का भी अंत बेलूशी जैसा हो सकता था। वो पूरा दिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे बियर पीकर टीवी देख सकते थे और खुद को दुनिया से अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुखी होने के बजाय मिशेल ने दोबारा जिंदगी जीने का जज्बा दिखाया। उन्होंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया और मिलियनियर बन गए। उनकी कई इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कोलोराडो में खुशहाल शादी और भरपूर जीवन जिया। तो इस तरीके से टॉनी इस समरी में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP के बारे में भी सिखाते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहे तो इसका मतलब होता है अपने माइंड को सही थॉट से भरने के लिए प्रोग्राम करना, ताकि आप सही एक्शन या डिसीजन ले सके। ये पॉजिटिव बिहेवियर बनाए रखने के लिए खुद से कम्युनिकेट करने के बारे में है। तो इसे समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द पावर ऑफ स्टेट। कई बार कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप बड़ा चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। आप बस अपने आप से ये कह देते हैं कि वो आपका अनलकी दिन है। तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे भी दिन होते हैं जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आपका काम, फैमिली, रिश्ते, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप तो बिल्कुल वही सेम इंसान हैं, फिर भी कुछ दिन ऐसे क्यों होते हैं जब आप फेल हो जाते हैं, और कई दिन आप हर काम में जीत जाते हैं। कभी कभी लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है, और कभी ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी बस यूं ही गुजरती जा रही है। तो इस फर्क का कारण है कि आप किस स्टेट में हैं। हमारे माइंड के दो स्टेट हो सकते हैं। एक होता है अनेबलिंग स्टेट, जो हमें शक्ति देता है, कैपेबल बनाता है। ये तब होता है जब आपका मन खुशी, प्यार, कॉन्फिडेंस, ताकत और विश्वास से भरा होता है। दूसरा होता है पैरालाइजिंग स्टेट। ये तब होता है जब आपका मन डर, उदासी, डाउट, निराशा और चिंताओं से भरा होता है। तो इस पैरालाइजिंग स्टेट से बाहर निकलने और अनेबलिंग स्टेट में बने रहने की पावर आप में मौजूद है। आपके पास अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की पावर है। आप अपनी मर्जी से इस अनेबलिंग स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें आपको चुटकी बजाने जितना टाइम भी नहीं लगेगा। तो आइए इस अद्भुत क्वालिटी के बारे में इस कहानी से सीखते हैं। कार्ल वॉलेंडा एक एक्सपर्ट एक्रोबेट थे। सालों तक कार्ल ने हवा में ऐसे स्टंट्स दिखाए जिन्हें देखकर कोई भी अवाक रह जाएगा। उन्होंने कई सारे खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करके ऑडियंस का दिल जीत लिया था। उनके मन में कभी ख्याल तक नहीं आया कि अगर वो गिर गए तो क्या होगा। उनमें कॉन्फिडेंस और कला दोनों ही कूट कूट कर भरे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ, उन्होंने खुद को गिरते हुए देखा। ये इमेज सिर्फ उनके दिमाग में थी, लेकिन कार्ल उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। उन्हें बार बार याद आता कि वो कितनी तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे, और अब ये सीन जैसे एक साई की तरह उनका पीछा करने लगा। और ये खासकर तब होता जब वो हवा में स्टंट करने की कोशिश करते थे। इसी तरह महीनों बीत गए और एक दिन कार्ल सच में नीचे गिर पड़े। ये पहली और आखिरी बार था जब वो गिरे थे। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक इमेजिनेशन हकीकत में कैसे बदल गई? इसका जवाब ये है कि जब आपको कोई थॉट आता है तो वो आपके माइंड को सिग्नल भेजता है।
उस थॉट ने उनके माइंड के स्टेट को बदल दिया था, जिस वजह से उनका बिहेवियर बदल गया था। कार्ल ने अपने ब्रेन को एक नई डायरेक्शन दे दी थी और अब उनका ब्रेन हर वक्त इसी इमेज को फ्लैश करने लगा और एक दिन वो सच में हो गया। अब एक अलग सिचुएशन पर नजर डालते हैं। डिक टॉमी हवाई के एक कॉलेज में फुटबॉल कोच था। अपनी टीम से कैसे बेस्ट परफॉर्म कराना है वो बखूबी जानता था। वायोमिंग में एक चैंपियनशिप गेम होने वाली थी जिसके लिए उनकी टीम भी बहुत मेहनत कर रही थी। ये टॉमी की टीम के लिए एक बहुत ही टफ चैलेंज था। आखिरकार मैच का दिन आया और टॉमी की टीम को फील्ड पर बुरी तरीके से रौंद दिया गया। हाफ टाइम हो चुका था और स्कोर 22-0 था और जो सामने वाली टीम के फेवर में था। ऐसा लग रहा था जैसे टॉमी और उसकी टीम का वो सबसे अनलकी दिन था। सारे प्लेयर्स निराश और हारा हुआ फील कर रहे थे। ब्रेक टाइम में सब लॉकर रूम में उम्मीद हार कर सर झुकाए बैठे थे। उनके सबके माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि अब ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो बचे हुए समय में सामने वाली टीम को बीट कर सके, हरा सके। सभी ने सोच लिया था कि वो बहुत बुरी तरह से हारने वाले थे, सिवाय उनके कोच टॉमी के। टॉमी सालों से इंस्पायरिंग आर्टिकल्स इकट्ठा कर रहे थे। उनमें ऐसी टीम्स की कहानियां शामिल थी जो मैच के दिन एक बड़े स्कोर से काफी पीछे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज टॉमी की टीम पीछे थी। तो ये कहानियां ऐसी टीम्स के बारे में थी जिन्होंने अचानक कमबैक करके गेम का पासा पलटकर सबको हैरान कर दिया था। अब टॉमी ने अपना कलेक्शन निकाला और उसे अपने प्लेयर्स के सामने लगा दिया। उन्होंने सबको उन विक्ट्री पिक्चर्स और जीत की हेडलाइंस को देखने के लिए कहा ताकि वो सब उस इमेज को अपने मन में उतार सके। फिर उन्होंने उनसे कहा कि अगर ये टीमें ऐसा कर सकती है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अब भी हमारे लिए जीतना इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ समय बचा हुआ है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अपने कोच की बातें सुनकर प्लेयर्स नए जोश और एनर्जी के साथ फील्ड में गए और उन्होंने ऐसे खेला जैसे वो अपनी लाइफ का आखिरी मैच खेल रहे हो। और सच पूछिए तो बस इसी जज्बे की तो जरूरत थी। फर्स्ट हाफ में 0 के स्कोर से वो सेकेंड हाफ में 27 के स्कोर तक पहुँच गए थे। उनकी टीम ने 27-22 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर से मैच को जीत लिया था। बस ऐसे ही आप भी किसी भी सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अपने माइंड को पैरालाइजिंग स्टेट में ना जाने दे। आप अपने थॉट्स पर फोकस कर सकते हैं और कभी भी उसे अनेबलिंग स्टेट में बदल सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करने की जरूरत है। तो हारी हुई बाजी को जीतने के इस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद, समझने के बाद, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द बर्थ ऑफ एक्सीलेंस, बिलीफ। यानी कि जब भी हम बिलीफ यानी विश्वास, आस्था जैसे शब्दों को सुनते हैं तो उसे रिलीजन से जोड़ने लगते हैं। लेकिन बिलीफ यानी कि ये विश्वास सिर्फ धर्म की किताबों या किसी हायर बीइंग के बारे में नहीं है। जो भी चीज या कोई प्रिंसिपल हमें लाइफ में डायरेक्शन या गाइडेंस दे उसे बिलीफ कहा जा सकता है। ये आपका दुनिया को देखने का नजरिया होता है। हमारी बिलीफ हमारे नर्वस सिस्टम को ऑर्डर देते हैं। जब आप किसी चीज में विश्वास करने लगते हैं तो वो आपका सच बन जाता है। ये आपको एक्शन लेने की पावर देता है। पेब्लो कैसल्स एक महान म्यूजिशियन थे। वो पियानो के साथ साथ कई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में माहिर थे। 90 साल की उम्र में वो आर्थराइटिस एंड एम्फिसीमा से पीड़ित हो गए थे। उनके हाथों में सूजन थी और उंगलियां मुड़ने लगी थी। इतना ही नहीं, उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। इस उम्र में पहुंचने के बाद उनके लिए सुबह उठना भी मानो एक काम बन गया था। उन्हें उठने में, संभलने में काफी समय लगता था। वो धीरे धीरे चलते और उनकी पीठ झुक गई थी। यहाँ तक कि कपड़े बदलने जैसे सिंपल कामों के लिए भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ने लगी। हर रोज सुबह नाश्ते से पहले पैब्लो अपने पियानो के पास जाते। पियानो के सामने रखी चेयर पर बैठना भी उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। लेकिन जब उनकी उंगलियां पियानो पर पड़ती तो वो बिल्कुल बदल जाते। तब वो एक बीमार बूढ़े आदमी नहीं बल्कि एक उम्दा कलाकार बन जाते और फिर वो बिल्कुल एक ताकतवर नौजवान की तरह पियानो बजाते। उनकी मुड़ी हुई उंगलियां जब पियानो कीज पर पड़ती तो उसकी धुन को सुनकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो सकता था। उनके हाथ पियानो की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाते जैसे पौधे सूरज की रोशनी की तरफ होते हैं। जब वो पियानो बजाते तो उनकी पीठ कम झुकी हुई होती और उन्हें सांस लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। म्यूजिक में जो उनका गहरा विश्वास था उसने उन्हें बीमारी से उभार लिया था। उन्होंने इतना पियानो बजाया कि उनकी कसी हुई उंगलियां फिर से कंट्रोल करने लायक हो गई थी। जब वो कोई म्यूजिक पीस पूरा करके उठते तो बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाते। वो ज्यादा सीधे खड़े होते, उनके चलने की स्पीड कुछ बढ़ जाती, वो डाइनिंग टेबल तक चलकर जाते और खुशी खुशी नाश्ता करते।
इसके बाद वो ताजी हवा का आनंद लेने के लिए बाहर चले जाते, तो इस चमत्कार का, इस मैजिक का राज क्या था? इसका कारण था प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, आइए जानते हैं। ये मेडिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पेशेंट को एक ऐसी गोली दी जाती है जो अंदर से खाली होती है, यानी उसमें ना कोई दवा होती है और ना ही कोई हीलिंग प्रॉपर्टी। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अल्सर से पीड़ित कुछ पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को एक दवा दी गई और उन्हें बताया गया कि इसे खाने के बाद उन्हें तुरंत आराम मिलेगा। दूसरे ग्रुप को भी गोली दी गई और उन्हें बताया गया कि उस दवा पर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था और वो डेवलपमेंट की स्टेज में था। दोनों ग्रुप्स ने इंस्ट्रक्शन के अनुसार दवा खा ली। पहले ग्रुप के 70% पेशेंट्स ने कहा कि दवा ने अपना असर दिखाया था, उसे खाने के बाद उन्हें तुरंत आराम महसूस हो रहा था। दूसरे ग्रुप के सिर्फ 20% पेशेंट्स को ऐसा ही महसूस हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? असल में दोनों ही ग्रुप को एक ही दवा दी गई थी और उसमें कोई भी हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। वो गोली अंदर से खाली थी, लेकिन रिसर्च करने वालों ने मरीजों को, पेशेंट्स को ये विश्वास दिलाया था कि एक दवा तो बहुत इफेक्टिव और असरदार है, जबकि दूसरे को अभी भी टेस्ट किया जा रहा है। इसका जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको चौंका दिया था। कई डॉक्टर्स ने ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ दवा लेने के बारे में नहीं है। जब कोई पेशेंट सच में ये विश्वास करता है कि वो ठीक हो सकता है, तो उसकी बॉडी माइंड के सिग्नल को पढ़ सकती है और वो सच में ठीक होने लगते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी ने आपको नमक लाने के लिए कहा हो और जब आप किचन में जाते हैं, चारों ओर देखते हैं और कुछ मिनट इधर उधर देखने के बाद आप उन्हें कह देते हैं कि आपको नमक नहीं मिली? तब आपकी मम्मी खुद किचन में जाती है और उन्हें तुरंत से नमक मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर वो चीज बिल्कुल आपके सामने ही होती है, बस आप उसे देख नहीं पाते। आपको नमक क्यों नहीं मिला? इसका कारण है आपका बिलीफ, आपका विश्वास। जिस पल आपने कहा कि मुझे तो नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता वो कहाँ रखा है, आप अपने ब्रेन को ऑर्डर देते हैं और वो सच में नमक की बॉटल को नहीं ढूंढ पाता। नेगेटिव वर्ड्स की जगह पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करने की कोशिश कीजिए, तब आपकी बॉडी और आपका ब्रेन दोनों आपका साथ देने लगेंगे। यानी आप जो भी बोल रहे हैं अपनी भाषा को सोच समझ कर बोलें। दूसरों का तो पता नहीं, आपके लिए बहुत काम भी कर सकता है और बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है, तो जस्ट बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और बात करते हैं द 7 Lies of Success। तो टॉनी यहाँ पर जिस झूठ का जिक्र कर रहे हैं वो धोखा या बेईमानी के बारे में नहीं है। वो इसे कुछ इस तरीके से समझाते हैं, असल में हम कभी नहीं जानते कि जिस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं वो सच है कि झूठ है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और कोई जीनियस भी इस बारे में कभी भी श्योर नहीं हो सकते, और सच पूछो तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक आपका विश्वास आपके लिए काम करता है, बस यही बात मायने रखती है और कुछ नहीं। क्या आपका विश्वास आप में जोश भरता है? क्या वो हर रोज आपको पहले से बेहतर इंसान बनाता है? क्या वो आपके लाइफ में रंग और उमंग भरता है और दूसरों की लाइफ को बेहतर करने में मदद करता है? अगर हाँ, तो आपके बिलीफ आपके लाइज ऑफ सक्सेस हैं। आप 100% नहीं जानते कि आपका विश्वास सही है या गलत, फिर भी वो आपको उस जगह ले जाने में मदद करते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। टॉनी ने ऐसे 7 यानी कि 7 beliefs की लिस्ट बनाई है। आप इस लिस्ट में अपने उस विश्वास को ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। तो आइए उन 7 beliefs में से, उन 7 विश्वासों में से कुछ के बारे में हम जानते हैं। तो पहला बिलीफ है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, यानी कि हर चीज के होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यही सोच सक्सेसफुल लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से बिल्कुल अलग बना देती है। सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीजों को ही देखते हैं। यहाँ तक कि जब दूसरों को लगता है कि इस सिचुएशन से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तब भी सक्सेसफुल लोग छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी को, संभावना को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो फेलियर को एक लेसन और सक्सेसफुल होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। अब मैरिलिन हैमिल्टन की कहानी को ही ले लीजिए। वो कैलिफोर्निया में एक सक्सेसफुल बिजनेस की मालिक थी। जब वो छोटी थी तब उन्होंने पढ़ने की प्रैक्टिस की और एक ब्यूटी क्वीन भी बनी। एक दिन उन्हें एक भयानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। मैरिलिन माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गई थी और वहां पर चट्टान से गिर पड़ी। उसी दिन से वो कमर से नीचे तक पैरालाइज्ड हो गई। मैरिलिन नेगेटिव सोच अपना करके उन चीजों की शिकायत कर सकती थी जो उनके लिए करना अब पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन चीजों पर फोकस किया जो वो कर सकती थी। मैरिलिन जिस व्हील चेयर को इस्तेमाल कर रही थी उससे परेशान हो गई थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बेहतर व्हील चेयर बनाई जाए। फिर उन्हें ख्याल आया कि बिल्कुल उनकी तरह कई लोग होंगे जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार होंगे, तो क्यों ना उनके लिए व्हील चेयर बनाकर उनकी जिंदगी को कुछ आसान बना दिया जाए।
इसीलिए मैरिलिन ने उन दोस्तों को कांटेक्ट किया जो उनके साथ उस दिन माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए थे। उन सब ने मिलकर के मैरिलिन के लिए एक नया व्हीलचेयर डिजाइन किया। इसके बाद उन सब ने मोशन डिजाइन्स नाम की कंपनी बनाई और कुछ ही सालों में उनका छोटा सा बिजनेस बढ़ते बढ़ते $1 मिलियन कंपनी बन गया। वैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि छोटी सोच आपको कभी भी बड़ा बनने नहीं देती। अगर आपको हर सिचुएशन में हमेशा प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स ही नजर आते हैं तो शायद आपको बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना नजरिया बदल कर तो देखिए, ये आपकी जिंदगी को इस तरह बदल देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरे बिलीफ की बात करते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, देयर आर ओनली रिजल्ट्स। यानी कि फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ रिजल्ट होता है। सक्सेसफुल लोग फेलियर को अलग नजरिए से देखते हैं। अगर उनसे कुछ गलत भी हो जाता है तो वो उसे अपने लिए लिए गए एक्शन के रिजल्ट के रूप में देखते हैं। इसीलिए वो एक अलग नजरिए से दोबारा कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वो किसी और रिजल्ट पर पहुंचते हैं या नहीं। सक्सेसफुल लोग तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक उन्हें वो नहीं मिल जाता जिसे वो पाना चाहते हैं। आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी था, जब वो 21 साल का हुआ तब उसके बिजनेस का दिवाला निकल गया। 22 साल की उम्र में उसने लॉ के फील्ड में किस्मत आजमाई लेकिन वहाँ पर वो हार गया। उसने फिर से बिजनेस करने की कोशिश की लेकिन 24 की उम्र में वो फिर से फेल हो गया। 26 की उम्र में उसने उस लड़की को खो दिया जिसे वो बहुत प्यार करता था। 27 में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। फिर वो कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन में खड़ा हुआ और 34 की उम्र में एक बार फिर से फेल हुआ। वो एक बार फिर से 45 की उम्र में सीनेटर की पोजीशन के लिए और 47 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ लेकिन फिर हार गया। फाइनली 52 की उम्र में जाकर उसे सक्सेस मिली जब उसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। वैसे हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट अब्राहम लिंकन है। वो जिंदगी में कई बार हारे लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने नेगेटिव थॉट्स और इमोशन को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अब्राहम लिंकन इन सबसे ऊपर उठकर के एक ऐसी शख्सियत बने जिन्हें आज भी अमेरिका के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाता है। तीसरा बिलीफ है कि बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किए लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल सकती। अगर आप बिजनेस, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स के फील्ड में सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में वो अपने फील्ड में सबसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट या स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यकीनन ये वो लोग हैं जिनमें अपने काम के लिए अटूट कमिटमेंट है। जैसे कि लैरी बर्ड एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। वो NBA की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बास्केटबॉल जैसे चुस्ती फुर्ती वाले गेम के हिसाब से लैरी बहुत ही स्लो चलते हैं और वो ज्यादा ऊंचा जंप भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही कीमती खिलाड़ी बन गए। इसका कारण है उनका जबरदस्त कमिटमेंट। वो सभी लोगों से कई गुना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उनका पक्का इरादा और उनका जोश उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इस वजह से लैरी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते चले गए। यूं तो इस गेम में कई लंबे और फुर्तीले प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो लैरी की हाई परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ पहुंच गए हैं अब हम इस समरी के कंक्लूजन तक। तो आपने टोनी रॉबिन्स के बारे में जाना, आपने अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में समझा, आपने जाना कि हमारे मन के दो स्टेट होते हैं, अनेबलिंग स्टेट और पैरालाइजिंग स्टेट, और आप में ये पावर है कि इसे कैसे हमेशा अनेबलिंग स्टेट में बनाए रखना है। आपने हमारे बिलीफ यानी विश्वास की पावर के बारे में समझा और हमें 7 लाइज ऑफ सक्सेस के कुछ हिस्सों के बारे में पता चला। आपके अंदर पोटेंशियल कूट कूट के भरा हुआ है जिसे आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है। इस समरी में आपने जो लेसन सीखे हैं वो आपको आपकी अनलिमिटेड पावर को ढूंढने में मदद करेंगे। टोनी और उनके फॉलोअर्स ने ऐसा करके इसे साबित किया है। तो अपना नजरिया बदले और आपके सामने जो भी अनगिनत मौकों के दरवाजे हैं उन्हें देखने की कोशिश करें। आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस खुद से अटूट कमिटमेंट करने की देर है।